तो भाई आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस भी शामिल होगी और इन इक्वेलिटी वाले भी इक्वेशन शामिल होगी। लेकिन आज जो हम हमारा बेसिक स्टार्ट लेंगे वो लेंगे एक्सरसाइज 6.1 से, जिसमें कोई इन इक्वेलिटी वाले इक्वेशंस नहीं हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। और फर्दर इन वीडियोस के अंदर हम फिर एक्सरसाइज 6.2 एंड 3 की तरफ भी मूव करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं पहले क्वेश्चन से ही। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है, इसमें स्टार्ट में हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, पहली बात तो हमें ये जाननी है कि ये इक्वेशंस किस बला का नाम है, इक्वेशन होती क्या है ना। देखिए भाई, इक्वेशन में अगर छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ तो इक्वेशन के सिर्फ इस पार्ट को देखें, ये हमें बता रहा है इक्वल के बारे में, है ना। यहाँ पे इक्वल का साइन जो है, ये बेसिकली वर्ड उसी से निकला है, इक्वल से। तो कोई भी आपके पास ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वेलिटी की साइन आ जाए, वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स, तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ 4x लगा दूँ तो ये एक टर्म बन जाएगा, है ना, टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल एसोसिएटेड हुआ हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ एक और वेरिएबल लिख दूं, 4x+2y, अगर हम ये लिख दें तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मेरे पास, है ना। इसे सिंपल वर्ड्स के अंदर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल सेंटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस मैथमेटिकल सेंटेंस के साथ एक इक्वेलिटी के साइन और इस इक्वल के बाद कोई नंबर या कोई दूसरा वेरिएबल लगा दूं, तो ये एक एक्सप्रेशन नहीं रहता, बल्कि ये एक इक्वेशन बन जाता है ना। हमें ये क्या बता रहा है कि 4x+2y जो है वो मिल बांट के क्या बन रहा है भाई, जीरो बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू है कि एक्स की जगह हम कोई वैल्यू पुट करें और उसे 4 से मल्टीप्लाई करें, और वाई की जगह कोई ऐसी वैल्यू हम रखें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, एंड देन दोनों को ऐड करें, तो जो आंसर आएगा ना हमारे पास, वो आंसर 0 होगा। तो भाई कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास, सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इसमें कोई भी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं। लेकिन जैसे ही मैं एक और इक्वेशन लिख दूंगा तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाई जाएंगी। मतलब वो जो दोनों इक्वेशंस होगी, जब हम उसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों ग्राफ, वो दोनों लाइंस, ठीक है, वो एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो वो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। अब यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है लीनियर का, उसका भी मतलब ज़रा अगर हम समझ लें तो लीनियर ये किस सेंस के अंदर है स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, ठीक है, उससे ज़्यादा पावर्स ना आए। जैसे यहाँ पे हम देखें तो एक्स की पावर क्या है, हमारे पास 1 है। वाई की पावर क्या है, वाई हमारे पास यहाँ पे 1 है। अगर ये एक्स की पावर 1 ना होती, 1/2 होती, विच मीन्स √x, तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं रहती। अगर हम एक्स की पावर 1 के बजाय 2 लिख देते, सही है, यहाँ पे 4x² हो जाता, तो भी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, जिस तरह आपका एक नेम है, मेरा एक नेम है, इसी तरह इन इक्वेशंस के भी भाई हमने क्या रख दिए, नाम रख दिए हैं। तो हमें सिंपल इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस को ही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस जिनकी पावर क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा और कोई पावर नहीं होनी चाहिए भाई, सही है। तो खैर, आते हैं भाई इन इक्वेशंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं किस तरीके से इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ, आई गेस लीनियर इक्वेशंस क्या है वो समझ तो आ गया होगा सारे स्टूडेंट्स को। तो जल्दी से एक क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं भाई। हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, और इसका पार्ट 1 जो हमें बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, 1/4x=, फिर अच्छा मेरे पास बेसिकली कोई स्टैंड वगैरह नहीं था, तो मैंने मोबाइल के ही स्टैंड के साथ अपना पेपर जो है वो स्टिक किया हुआ है, जिसमें आपके सारी जो इक्वेशंस हैं वो लिखी हुई हैं, उनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो खैर आते हैं इन्हें सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करने का मतलब क्या है ये भी थोड़ा जान लें। सॉल्व करने का मतलब है जो भी इक्वेशन आपकी इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है ना, आपने उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कौन सा वेरिएबल आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो हमें बताने के इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, सही है। तो देखते हैं इस एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई। हमारे पास ये 1/4x है, तो सबसे पहले तो इसे x/4 लिख दें,
क्यों? क्योंकि ये वन और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये एक्स अपॉन फोर बन जाएगा। एक्स अपॉन फोर इक्वल्स टू फाइव। हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, मतलब एक्स के साथ कुछ भी वैल्यू हो आपने उस वैल्यू को इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भेजना है। सही है, जैसे यहाँ पे डिवाइड में फोर है तो इसे मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा, तो ये क्या होगा, ये फोर यहाँ डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स वहाँ जाके इस फोर को मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू 20। तो एक्स की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या है, 20 है। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो कैसे। जैसे हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। आप एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में, तो जो दोनों साइड्स होंगी वो आपके पास क्या आएंगी, एक्यूरेट आएंगी, इक्वल आएंगी। सही है, जैसे 1/4 एक्स की जगह मैं क्या लिखूँ, 20, तो ये 20 इक्वल्स टू 5। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह मैंने एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो ये हो जाएगा 20/4 इक्वल्स टू 5, है ना। 4 1 4 5 जा, तो इक्वल्स टू की दोनों साइड मेरे पास सेम आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है, विच मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या है, 100% करेक्ट है। तो आई गेस यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। और आई गेस इसके जो स्टार्ट के 10 क्वेश्चंस हैं, 10 या 8 क्वेश्चंस, वो बहुत ही बिगिनर लेवल हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी उन्हें निपटाते हैं। जैसे पार्ट टू आपके पास है, एक्स अपॉन फोर इक्वल्स टू -3। अब देखिए इसे किस तरीके से करना है, बिल्कुल सेम वही प्रीवियस मेथड है ना। यहाँ पे एक्स अपॉन फोर है, ये फोर इससे डिवाइड हो रहा है, सिंपल वहाँ भेज दें, -3 से इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -12। सही है, वेरीफाई करके देखें इसे। अगर मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ तो वेरीफाई किस तरीके से करूँगा, मैं -12 को उठा के एक्स की जगह पे पुट कर देता हूँ, तो -12/4 इक्वल्स टू -3। 4 1 जा एंड 4 3 जा, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3, विच मीन्स जो मेरा आंसर था -12, ये एक्यूरेट है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर 3। अच्छा जी, नंबर 3 आपका ये भी तकरीबन सिमिलर ऐसा ही है, -5 इक्वल्स टू -x/6 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्स को अलग करना है, बाकी जो भी इसके साथ है उसे दूसरी तरफ भेज दें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सिंपली वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू -x, तो ये आ जाएगा हमारे पास -30 इक्वल्स टू -x। स्टूडेंट्स माइनस के साइन है, यहाँ भी माइनस के साइन है, तो माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं। सही है, मतलब एक्स इक्वल्स टू हमारे पास सिंपल क्या है, 30 के बराबर है। वेरीफाई करके देख लें, -5 इक्वल्स टू -x की जगह 30 पुट करेंगे और यहाँ पे आ गया 6, तो 6 1 6 5 जा, विच मीन -5 इक्वल्स टू -5। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े भाई। अच्छा जी, नंबर 4 भी बिल्कुल सेम यही है, -x/8 इक्वल्स टू -5। अच्छा जी, तो -x/8 है, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाते हैं, इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो -x इक्वल्स टू -5 × 8, तो -x विल बी इक्वल्स टू -40, एंड माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। अब मैं इसका वेरीफाई डायरेक्टली यहीं पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स की जगह 40 पुट करेंगे, तो -40/8, 8 1 8 5, तो -5 इक्वल्स टू -5 आ गया, है ना। तो वेरीफाई भी आपके पास बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से हो गया। अब थोड़े क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस हैं नंबर 5 के बाद से। सही है, तो देखते हैं भाई, नंबर 5 हमारे पास क्या है, वाई -2/5, वाई -2/5 इक्वल्स टू -1/3। सही, अब यहाँ पे किस तरीके से हमें काम करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू हमें चाहिए। सही है, तो वाई एज इट इज़ रहने देंगे, इसके अलावा जो कुछ है हमारे पास उसे हम दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया -1/3
ये माइनस का 2/5 है, वहाँ जाएगा प्लस का 2/5 हो जाएगा, है ना। मैं सिर्फ 5 को वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं सिर्फ 2 को शिफ्ट कर सकता हूँ, मुझे इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट करना है, सही है। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट किया तो ये प्लस का 2/5 आ गया। वाई इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पे हमें करना है एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 3 और 5, इन दोनों के टेबल के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो कि कॉमन हो और सबसे छोटा नंबर हो, इससे छोटा कोई नंबर ना हो जो कि इन दोनों के टेबल्स में आए, सही है। तो ऐसा नंबर हमारे पास 15 है ना। 15 देखे 3 के टेबल में भी आता है, 15 5 के टेबल में भी आता है। एक तो हमारे पास ये अप्रोच है इसकी, दूसरी अप्रोच क्या थी, इन दोनों को सेम बना दो। कैसे सेम बनाएंगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 को वहाँ, तो भाई यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें, नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5/15 प्लस का 6/15। अब एलसीएम ले लें, 15 कॉमन एज एलसीएम, तो -5 + 6, है ना, सही हो गया यहाँ तक। तो -5 + 6 हमारे पास बनता है प्लस का 1, और प्लस के साथ प्लस के साइन तो कभी शो करते नहीं है हम, तो 1/15 इक्वल्स टू वाई। फर्दर इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम यहीं तक इसे रोक सकते हैं। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, इसकी वेरिफिकेशन ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पे 1/15 है, इसे वाई की जगह पे पुट कर दें, तो 1/15 -2/5 इक्वल्स टू माइनस का 1/3। अब 15 और 5 का एलसीएम चाहिए मुझे, अगर मैं यही अप्रोच करवाऊँ तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो 15 बनेगा। 15 को मैं नहीं छेड़ूंगा कि 15 5 के टेबल में आता है, सही है। तो भाई ये हो गया 1/15 माइनस का 6/15 इक्वल्स टू -1/3। 15 एज ए एलसीएम आ गया, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, तो ये हमारे पास 1 - 6, तो माइनस का 5/15 इक्वल्स टू माइनस का 1/3। देखिए 5 और 15 कैंसल आउट हो सकते हैं, 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस का 1/3। दोनों साइड सेम आ रही है, मतलब ये जो हमारा आंसर था ये 100% करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास 2y - 3/5 नंबर 6। 2y - 3/5 इक्वल्स टू 1/2, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, बस चेंज इन्होंने कर दिया, वाई के साथ एक और नंबर एसोसिएट कर दिया जो कि इसका कोएफिशिएंट है। तो पहले तो -3/5 को वहाँ ले जाएं, इसकी कहानी ख़त्म करें, तो ये 1/2 + 3/5 सही हो गया यहाँ तक। अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने की बात करूँ तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/10 + 3 2 = 6, 6/10, सही है। यहाँ से 2y, यहाँ भी 2y आता जा रहा है, तो भाई 10 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, 5 + 6 विच मीन्स 11/10, सही हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2y। अब देखें, मुझे इस y को बिल्कुल ही अलग करना है, इसके साथ कोई भी चीज़ ना लिखी हो, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 11/10, ये 2 यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाना, सही है भाई। तो ये 11/10 × 2, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 11/20, सही है। इसी को उठा के अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहें तो देखिए वेरीफाई किस तरीके से होगा, ये y की जगह सिंपली आप क्या पुट कर दे, 11/20, ब्रैकेट क्यों लगाया भाई मैंने, क्यों लगाया मैंने ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y की जगह जो भी मैं पुट करूँगा वो दोनों वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सही है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या शो करे कि 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 ज़ा एंड 2 10 ज़ा, तो हो गया 11/10 - 3/5 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलर करना है भाई इन दोनों को, तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, है ना, इधर मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि 10 और 5 तो सेम टेबल में आते हैं, सही है। 10 जो है 5 के टेबल में आता है हमारे पास,
इलेवन अपॉन टेन माइनस सिक्स अपॉन टेन इक्वल्स टू वन अपॉन टू। एलसीएम सेम आ गया भाई, टेन तो इलेवन माइनस सिक्स वन अपॉन टू, इलेवन माइनस सिक्स फाइव, फाइव अपॉन टेन, फाइव वन ज़ा फाइव टू ज़ा, तो ये वन अपॉन टू इक्वल्स टू वन अपॉन टू। सही हो गया भाई यहाँ तक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट था। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सेवन। नंबर सेवन में हमसे कह रहा है टू एक्स माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक गलती जो स्टूडेंट करता है अक्सर वो ये होती है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू के बजाय वो डायरेक्टली इस माइनस फोर को उठा के वहाँ शिफ्ट कर देगा या माइनस ट्वेल्व को वहाँ ले आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। क्यों गलत है? अगर आप लोगों ने ग्रेड फाइव और सिक्स के अंदर पढ़ा हो बोर्ड मास रूल, ठीक है, तो बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा लास्ट में परफॉर्म करनी है आपने, है ना। बोर्ड मास, बोर्ड बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर जो कि पावर वगैरह सब होती है, ठीक है। इसके बाद आता है डी, डी का मतलब है डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन, और बिल्कुल लास्ट के अंदर जब सारे काम कर लो फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे पहले देखें हमें डिवाइड को हमें निपटाना है, उसके बाद हम माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो आप इस माइनस फोर को डायरेक्टली वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक ये फाइव नीचे बैठा हुआ है। तो पहले तो फाइव को हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। कैसे करें? देखिए, फाइव को यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, और फोर को यहाँ से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूँ, है ना, फोर इससे डिवाइड हो रहा तो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, सिमिलर वे में फाइव यहाँ डिवाइड हो रहा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। टू एक्स माइनस फोर इंटू फोर इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू फाइव। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सिंपली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो भाई फोर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एट एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सिक्सटी। सही है यहाँ तक? अब आप चाहें तो अब आप क्या करें, वैल्यूज़ को अरेंज कर सकते हैं। जैसे ट्वेंटी फाइव एक्स है, इसको यहाँ पे ले आएँ, तो ये ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस का है, यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस सिक्सटी अपनी जगह पे रहा, ये माइनस सिक्सटीन वहाँ शिफ्ट कर दे तो प्लस का सिक्सटीन। सही हो गया। एट एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स कितना हो गया भाई, माइनस का सेवनटीन एक्स माइनस सिक्सटी और प्लस का सिक्सटीन, ये हो जाएगा माइनस का फोर्टी फोर, है ना, फोर्टी फोर ही होगा जी, फोर्टी फोर ही होगा भाई। माइनस से माइनस कैंसिल, सेवनटीन मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू फोर्टी फोर अपॉन सेवनटीन। मज़ीद इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं तक हमारे पास इसका आंसर। सही है। अब इसको वेरीफाई करना हो तो एक्स की जगह इसे उठा के पुट कर दो भाई, आपके पास वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, मैं इसे वेरीफाई नहीं करवा रहा क्योंकि वेरीफाई का यहाँ पे कहीं पे पूछा नहीं गया भाई हमसे, हमें कह रहा है बस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेकर आ जाओ। सही है। वेरीफाई मैंने आपको जो तरीका बताया वो इसीलिए बताया ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में अपने क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चेक करने हो तो किस तरीके से हम करें। सही है, बाकी पूछा नहीं गया यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। नंबर एट है हमारे पास थ्री एक्स अपॉन फाइव प्लस सेवन इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन थ्री। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले तो अरेंजमेंट थोड़ी कर लें, इस टू एक्स अपॉन थ्री को यहाँ शिफ्ट कर दें और सेवन को वहाँ ले जाएं, तो ये थ्री एक्स अपॉन फाइव अपनी जगह पे रहा, ये टू एक्स अपॉन थ्री वहाँ पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, और सेवन को वहाँ भेजेंगे तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया। सही है। अब सिंपल, इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई, यहाँ फाइव से, ऊपर भी थ्री से, ऊपर यहाँ पे फाइव से। सही। तो थ्री एक्स इंटू थ्री, ये हो जाएगा नाइन एक्स अपॉन फाइव, थ्री ज़ा फिफ्टीन, माइनस टू एक्स इंटू फाइव, ये हमारे पास बनेगा टेन एक्स, नीचे बनेगा फिफ्टीन इक्वल्स टू माइनस सेवन।
अब देखो 15 हमारे पास एज एलसीएम आ गया, ऊपर कोई चेंजेस नहीं क्योंकि एलसीएम सेम है, इक्वल्स टू -7। 15 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, सही। और ऊपर 9x -10, तो ये तो पहले हो गया मेरे पास माइनस का x, -7 इंटू 15। अच्छा जी, 7 15 से हमारे पास क्या होता है भाई, 105। तो माइनस का 105 और माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 105। आई गेस यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, सही है। नंबर 9 के अंदर थोड़ा और मज़ीद लेंदी क्वेश्चन है, और इसी तरीके का ये थोड़ा बहुत, तो वो भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा है ये भी मिटा रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए क्वेश्चंस को लिखने के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, 3x/5, 3x/5 +7 = 2x/3 +4x/5, सही हो गया भाई यहाँ तक। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करें, इस 3x/3 को सिर्फ वहाँ शिफ्ट कर दे, 7 को अपनी जगह पर रहने दे, x वाली वैल्यू ताकि क्या हो जाए, एक तरफ हो जाए ना हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 3x/3 को यहाँ पे ले आया, तो ये माइनस का 3x/5, सही है, कोई मसला है यहाँ तक। अच्छा जी, अब लें एलसीएम, यहाँ पे इन तीनों के एलसीएम के लिए इसे 3 को 5 बनाना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 2x/5 ये हो जाएगा 10x/15 +4x/3, तो ये हो जाएगा 12x/15 -9x/15, सही है। 7 = 15 हमारा एलसीएम, ऊपर आ गया 10x +12x -9x। तो भाई 10x + 12x 22x, 22 - 9, तो ये बन गया हमारे पास 13x/15। 15 डिवाइड हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली इसकी जगह 105 लिख दूँ, इक्वल्स टू 13x, सही है। अब 13 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 105 = x, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब क्या 105 और 13 ये दोनों एक टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे भाई, दोनों कैंसलेशन नहीं हो सकती है ना, कि इसके टेबल में 104 आता है मेरे ख्याल से। तो भाई x की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आ गई, 105/13। मज़ीद इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं तक हमारे पास इसका आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका पार्ट 10। अच्छा जी, इसका पार्ट 10 है हमारे पास, 6/2x - 5, 6/2x - 5 -4/x - 3 और इक्वल्स टू है ये 0। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हमें आजमानी है, सही है। मेरे ख्याल से ऊपर विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ मैं इसे। तो ये नंबर 10 है, 6/2x - 5 और माइनस का 4/x - 3, सही, इक्वल्स टू 0। अब ये विजिबल है, मुझे देख चेक करने दें। जी, अब विजिबल है बिल्कुल। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ट्रिक हमें क्या आजमानी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा सा, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर जाता है, लड़खड़ा जाता है कि भाई इस चीज़ का एलसीएम कैसे लें। तो इसका एलसीएम लेना भी आसान है, लेकिन अगर आपने एलसीएम से बचना है तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपके पास 0 है तो इस वैल्यू को उठा के वहाँ शिफ्ट कर दें, जैसे 6/2x - 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/x - 3, है ना। ये पूरी वैल्यू जो उठ के वहाँ गई, माइनस की थी, वहाँ जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब क्या करें भाई, इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x-3 को यहाँ भेज दो तो 6 × x-3
और 4 × 2x − 5, तो इसका एक तरीका ये हो गया, एलसीएम से बच गए भाई हम। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6x − 18 = 8x − 20, सही है। सिंपली 8x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 8x, माइनस 18 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 18। 6x − 8 − 2x, और −20 + 18 तो −2, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 2/2 विच मीन्स x = 1। तो एक तरीका तो इसका यह था जिसमें हमें एलसीएम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा। अगर एलसीएम वाला तरीका हमें करना हो तो कैसे करें, सही है, पहले एलसीएम वाला तरीका भी देख लेते भाई। फिर देखिए एलसीएम वाला तरीका आप कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच मीन्स 2x − 5 × x − 3 = है ये 0। अब ये जो एलसीएम आया ना, यही एलसीएम इस तरफ मल्टीप्लाई होगा इस 6 से, सही है, इस 6 से इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यही दो ब्रैकेट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x − 5 और यहाँ पे है x − 3। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट इस फ्रैक्शन से कैंसिल हो गया, बचा x − 3 विच मीन्स 6 × x − 3। यहाँ पे बढ़ते हैं माइनस, सही है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, 2x − 5 और x − 3। तो भाई x − 3 से x − 3 इस बार कैंसिल होगा तो बचेगा 2x − 5 जो कि इस 4 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा। तो आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें सिंपली इसको, सही हो गया। अब यहाँ पे 6 × x − 3 तो ये हो जाएगा 6x − 18, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 इक्वल्स टू, देखिए ये वैल्यू से डिवाइड हो रही है ना, वहाँ ले जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होगी, और 0 ऐसी भला है कि इसका कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 ही आता है ना, वैसे ऐसा होता नहीं है, इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, सही है। खैर फिलहाल इस लेवल पे तो हमें यही पता है कि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, अभी हम इन्फिनिटी वगैरह की तरफ नहीं पहुँचे। तो भाई यहाँ पे हम पहुँच गए इस तरफ, तो 6x और −8x सॉल्व हो सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x, −18 और +20, ये दोनों लाइक टर्म्स है, बचेगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, सही है। देखें −18 और +20, देखें देखें दोबारा, −18 और +20, 20 ग्रेटर नंबर है मतलब साइन ग्रेटर नंबर की, यहाँ पे 6x और −8x, 8 ग्रेटर नंबर है तो साइन माइनस की, सही हो गया यहाँ तक। +22 है वहाँ भेज दो तो −2x = −2, माइनस से माइनस गया, x = 2/2 विच मीन्स x = 1, वही पहले वाला आंसर हमारे पास दोबारा आ गया। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, दोनों तरीके से आप लोगों को क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ भाई इसके। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके लेवल भी जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो नंबर 11 है अब मेरे पास, क्या है नंबर 11, नंबर 11 7x − 4 7x − 4/10, नहीं 15 है, इक्वल्स टू है भाई फिर 7x + 4/10। तो भाई इसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है, 10 को वहाँ शिफ्ट कर दो 15 को वहाँ, तो हो जाएगा 7x − 4 × 10 = 7x + 4 × 15। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70x − 40, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x और +15 = 60 होता है, सही है। 105x को यहाँ शिफ्ट कर दें तो माइनस का 105x और 40 को वहाँ शिफ्ट कर दो प्लस का 40। तो भाई 70 − 105 तो ये माइनस का 35x = 60 + 40, तो ये हमारे पास हो गया 100। 35 मल्टीप्लायर है वहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सही है। 5 के टेबल से कैंसिलेशन हो सकती है, 5 7 एंड 5 20, तो −x = 20/x, 20/7 हो गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो माइनस के साइन को वहाँ शिफ्ट कर दे भाई, तो −20/7 x के बराबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई मसला?
नहीं होगा, वैसे भी हो तो आप वीडियो में तो नहीं बता सकते, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 12। नंबर 12 भी तकरीबन सेम है, 3x माइनस 2 अपॉन 10 और 7x माइनस 3 अपॉन 15। मुझे लगता है 7 और 15 को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया भाई, हर क्वेश्चन के अंदर 7 और 15 लाजमी ही आ रहे हैं हमारे पास। सही, ये कौन सा भाई नंबर 12 है, मैं इस रोमन एक्स को मैं वेरिएबल वाला एक्स बना देता हूँ। खैर आगे बढ़ते भाई, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स 10 और 15 को मर्ज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले इस माइनस 2 का कुछ करना पड़ेगा। क्या करें इस माइनस 2 का, एलसीएम ले लें। तो भाई ये 3x माइनस 2 अपॉन 10 एज इट इज़ इक्वल्स टू 7x माइनस 3 अपॉन 15। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस 1 को 15 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, इस 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो गया 2 15 30 अपॉन 15। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15, ऊपर आ जाएगा 7x माइनस 3 माइनस का 30 और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2 अपॉन 10। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक, ये माइनस 3 और माइनस 33 इनको सॉल्व करके माइनस का 33 लिख दो डायरेक्ट, है ना, माइनस का 33 बन जाएगा। अब 15 को यहाँ पे और 10 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो 3x माइनस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 7x माइनस 33 इंटू 10। शुक्र है इस बार 15 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ना हर क्वेश्चन में 15 और 7 को ही मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। 15 थ्री ज़ा ये आता है 45x माइनस 15 टू ज़ा 30, ये आ गया हमारे पास 70x माइनस 330। 70x को यहाँ ले आए तो 45x माइनस 70x इक्वल्स टू माइनस 330 और प्लस का 30। तो देखो 45 और माइनस 70 ये हमारे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 25x और ये बन गया माइनस का 300। माइनस से माइनस को पहले ही ख़त्म कर दें, 25 मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा डिवाइड तो 300 डिवाइडेड बाय 25। 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, पहले 5 5 ज़ा और 5 के टेबल में 300 का बाद है भाई 60 ज़ा आई गेस। सही है, और यहाँ पे हमारे पास 5 1 ज़ा एंड 5 6 ज़ा। सही हो गया, मतलब x की वैल्यू हमारे पास नहीं 6 ज़ा नहीं 12 ज़ा बेटा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। सही हो गया यहाँ तक, कोई मसला इसमें हो भी तो आप ही नहीं बता सकते, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जल्दी से इसके 15 जो पार्ट्स है उसे वाइंड अप करके फिर अगले क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, कोई ऐसी क्लास नहीं होती जिसके अंदर मार्कर का कैप ना गिरे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 13, 12x माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू 12x प्लस 3 अपॉन 8। अच्छा मैं मार्कर का कैप भी उठा लूँ और दूसरा मार्कर भी देख लूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट एक गलती करेंगे इस 12 से इस 12 को कैंसिल करने की, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन भी तो आ रही है और ये 12 जो है सिर्फ इस 12x से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसे कैंसिल नहीं कीजिएगा। सही है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है पहले हमें, तो ये 12x माइनस 3 इंटू 8। सही है, यहाँ से 8 वहाँ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से 12 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 12x प्लस 3 इंटू 12। सही हो गया भाई यहाँ तक, अब 8 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 8 12 हमारे पास आता है 96x, 8 इंटू माइनस 3 तो माइनस का 24 इक्वल्स टू 12x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144x और प्लस 12 3 30 6।
एक्स वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आए, तो 96x माइनस 144x इक्वल्स टू 36 प्लस 24। अच्छा जी, 96x में से हमें 144x को माइनस करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? 100 में से 96 है तो 4 बचा, सही है। और माइनस 44 में से प्लस का 44 अगर करें, मेरे ख्याल से 48 आएगा। 48x इक्वल्स टू 36 प्लस 24, तो 36 और 24 ये हमारे पास कितने हो गए भाई? 60 है ना, 60 हो जाएंगे। फर्दर इसको देखते हैं भाई, 48 मल्टीप्लायर है वहाँ जाएगा डिवाइड, तो 60 अपॉन 48 किस टेबल से जा सकते हैं? ये हमारे पास जा सकते हैं 3 के भी टेबल से और 6 के भी टेबल से। 6 के टेबल में 48 का बात है भाई 8 ज़ा, और 60 का बात है 10 ज़ा। मजीद ये कैंसिल हो रहा है किससे? 4 के टेबल से, नहीं 2 के टेबल से। 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो एक्स इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड लास्ट पार्ट है बेसिकली। क्या है भाई इसके अंदर? 1 अपॉन 4x, 1 अपॉन 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू -3। नहीं लिखा है वहां पे, 1 अपॉन 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू -3, और फिर है हमारे पास प्लस का 1 अपॉन 2x, सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले तो x वाले टर्म्स को एक साथ करते हो, और ये जो 1 अलग अलग लिखा हुआ है ना, इनको एक साथ करके लिखते हैं, x अपॉन 4 प्लस एक्स, और ये हो गया x अपॉन 2 है ना, प्लस का यहाँ पे आके माइनस का x अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। सिमिलर करना है भाई 4 और 2, तो देखिए 4 2 के टेबल में आता है, मतलब इस 4 को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ भी 2 से। अब इसको 4 बनाया, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो कैसे बनेगा? 4 मल्टीप्लाई करवा के, सही हो गया। तो ये बन गया एक्स अपॉन 4 प्लस 4 एक्स अपॉन 4 माइनस 2 एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू -3। कंबाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 4x माइनस 2x इक्वल्स टू -3। एक्स प्लस 4x 5x, 5x माइनस 2x प्लस का 3x। ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा दे, तो -3 इंटू 4 विच मीन्स -12। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 4। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को? अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो को फिर हम एंड कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन 3 प्लस 2m, 1 अपॉन 3 m तो नहीं है इसके साथ, प्लस 2m है इसके साथ, इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन 3, सही। 3 कुछ अजीब सा बन गया, सही बना ले भाई। अच्छा जी, m वाली वैल्यूज को एक तरफ और 1 अपॉन 3 फ्रैक्शन वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2m। इस m को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस का m माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 वहाँ जाएगा, तो ये भी माइनस का 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 अपॉन 3 नहीं है, ये 3 अपॉन 2 है मेरे ख्याल से, है ना? तो यहाँ पे भी इसको 3 अपॉन 2 लिख देते हैं। अच्छा जी, 2m माइनस m, तो m बचेगा सिर्फ, यहाँ पे एलसीएम की बारी, तो 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, तो माइनस का 9 अपॉन 6 और माइनस का 2 अपॉन 6, तो m इक्वल्स टू 6 एज अ एलसीएम माइनस 9 माइनस 2, माइनस 9 और माइनस 2, माइनस का 11 अपॉन 6 इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? माइनस का 11 अपॉन 6। आई गेस यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हमने फर्दर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो उन क्वेश्चंस को भी लाजमी चेक कीजिएगा,
एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.